अब हम यहाँ पर आ गए थे। अब अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें मैंने आपको बताया स्तंभलेख, शिलालेख और गुहालेख। अब स्तंभलेख दो तरह के, बड़े और छोटे। उसी तरह शिलालेख भी दो तरह के, बड़े और छोटे। तो जो बड़े स्तंभलेख हैं उन पे 7 लाइनें हैं, जो छोटे स्तंभलेख हैं उन पे पता नहीं कितनी लाइनें हैं, ठीक है। तो जो बड़े शिलालेख हैं उन पे 14 लाइनें हैं, और जो छोटे शिलालेख हैं उन पता नहीं कितनी लाइन। और जो गुफा लेख या कैव इंस्क्रिप्शंस हैं गुफाओं में जो मिले उन पर मुझे पता नहीं उनमें कितनी लाइन है। गुफा लेखों में छोटे या बड़े नहीं कहे जाते, सिर्फ छोटे और बड़े जो कहे जा रहे हैं कहाँ कहे जा रहे हैं, स्तंभलेखों और शिलालेखों। फिर से मैं बता दूं कि जो एक अलग पत्थर पर, पत्थर कहीं से एक पत्थर लिया गया, उसको तराशा गया और उसको जगह जगह गाड़ दिया गया, लिख करके उसको गाड़ दिया गया, उसको हमने कहा पिलर इंस्क्रिप्शन या स्तंभलेख। और जो ऊंची ऊंची चट्टाने हैं उनको हमने साफ करके उन पर जब छेनी और हथौड़े से खुदाई की है उनको हमने कहा शिलालेख। ओके, तो अब जो अशोक के जो बड़े स्तंभलेख हैं वो कुल 6 जगहों से मिले। अब वो 6 जगह कौन कौन सी हैं? एक है लोरिया अराज, एक है लोरिया नंदनगढ़ और तीसरी है रामकोबा। अब ये तीनों की लोरिया अराज, लोरिया नंदनगढ़ और रामकोबा बिहार के चंपारण जिले में, ठीक है। अब इसी तरह से एक और मिला है अशोक का जो बड़ा स्तंभ लेख है, दिल्ली टोकरा और दिल्ली मेरठ। मैंने यहाँ लिखा नहीं लिखा है, मैंने यहाँ लिखा दिल्ली टोकरा दिल्ली मेरठ है ना, शायद नहीं लिखा मैंने यहाँ पर दिल्ली टोकरा और दिल्ली मेरठ। ये क्या हुआ? फिरोज शाह तुगलक, आपको बताइए तुगलक वंश का एक काफ़ी ख्याति प्राप्त सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो हुआ जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के समय में उसके जो भी कर्मचारी थे उनको दो बड़े अजीब से पत्थर मिले। उनके हिसाब से ये सब बड़े बड़े पत्थर हैं और एक जगह गड़े हुए हैं और उनको पता नहीं क्या लिखा हुआ। बहुत पुराने पत्थर हैं वो एक जगह पर गड़े हुए हैं और उनको पता नहीं क्या लिखा हुआ, हमें तो समझ कुछ आ नहीं रहा। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक आपको पता है कि भारत में ही पहला ऐसा सुल्तान था जिसने जो पुराने महल, मकतब, मदरसे या पुरानी इमारतें हैं उनका कंजर्वेशन शुरू किया, उनके मरम्मत शुरू की। आपको पता है ना कुतुब मीनार पर एक बार बिजली गिर गई थी, कुतुब मीनार किसने बनाना शुरू किया था? पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाना शुरू किया था, ठीक है। इससे पहले कि वो पूरा होता उसकी मौत हो गई, फिर इसको इल्तुतमिश ने पूरा किया था। बाद में इसके इस पर बिजली जब गिरी तो इसकी जो ऊपरी इमारत थी वो उसको बहुत नुकसान हो गया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने न केवल जो इमारत जिसको नुकसान पहुंचा था वो मेंटेन की बल्कि एक नई मंदिर उसमें और जुड़ी थी। फिरोज शाह तुगलक ऐसा राजा था, अंग्रेजों में ऐसा जो वायस राय था वो था लॉर्ड कर्जन। उस लॉर्ड कर्जन ने तो अलग से डिपार्टमेंट ही बना लिया था जो प्राचीन इमारतें हैं उनके कंजर्वेशन या संरक्षण के लिए, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक जो था पुरानी चीज़ों का शौकीन था, प्राचीन इमारतें जो कुछ भी था वो सबका संरक्षण था। तो उसने उन पिलर को वहाँ से उखड़वाया जहाँ पर वो मिले उनको उखड़वाया और दिल्ली में उसने जो किला बनाया था फिरोज शाह कोटला उसमें लगवा दिया, उसमें गड़वा दिया या उसमें सुरक्षित रख दिया कि भाई चलो इनको यहाँ रखो, देखेंगे इनको हम पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, बाद में देखेंगे। तो कहाँ से मिले? एक मिला टोपरा। अब टोपरा को लेकर फिर विवाद है। टोपरा कोई कहता है कि सहारनपुर में, सहारनपुर जिला में कोई गाँव था टोपरा, तो कोई कहता है पंजाब में रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में कोई गाँव था टोपरा। ज़्यादा जो माना जाता है वही माना जाता है कि टोपरा गाँव जो है पंजाब में रोपड़ जिले में, ठीक है साहब। तो खैर जहाँ भी था सहारनपुर में था या रोपड़ पंजाब में था, जहाँ भी था, लेकिन यह है कि टोपरा गांव था। तो एक मिला टोपरा गांव से, उसको दिल्ली में ले आए आप फिरोज शाह कोटला किले में। एक मिला मेरठ से, उसको भी आप सुरक्षित करके कहाँ ले आए? दिल्ली में ले आए। तो इस तरह से अशोक के जो स्तंभ लेख हैं एक तीन तो ये हो गए, कौन से? लोरिया अराज, लोरिया नंदनगढ़ और रामकोबा बिहार के चंपारण जिले में, तीन जगहों से मिले। अब दो जगहें और हैं, एक दिल्ली टोपरा और एक दिल्ली मेरठ, यानी एक टोपरा और एक मेरठ, पांच जगह हो गई। छठी जो जगह है वो है कौशाम्बी। अच्छा, कौशाम्बी कहाँ है? वर्तमान प्रयाग, पुराने समय का इलाहाबाद। इलाहाबाद के पास एक शहर है कौशाम्बी, ठीक है। वहाँ पर कौशाम्बी में या कौशाम्बी से फिरोज अकबर के कारीगरों को या अकबर के कर्मचारियों को एक पिलर मिलता है। फिरोज शाह तुगलक के नहीं, अकबर के कर्मचारियों को एक पिलर मिलता है, आलमगढ़ बहुत सा पिलर, उस पर तरह तरह की अलग अलग लिपियाँ उसमें निकली हुई, अलग अलग लैंग्वेजेज उसमें निकली हुई। तो अकबर को किन चीज़ों को इकट्ठा करने का शौक था, तो उसने क्या किया, अपने कर्मचारी को आदेश दिया कि इसको कौशाम्बी से उखाड़ लाओ आप, और इलाहाबाद में उसने जो किला बनवाया था वहाँ पर उसको लगवा दिया। इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है? प्रयाग। इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयाग है। आप जब इधर से जाओगे तो पहले प्रयाग स्टेशन पड़ेगा, फिर प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद स्टेशन या इलाहाबाद जंक्शन पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से उसको हम कहते हैं कौशाम्बी या प्रयाग स्तंभ। तो कुल 6 जगह हो गई, लोरिया राज, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, तीनों गए। उसके बाद नहीं, चार हो गए, रामपुरवा, लोरिया राज, लोरिया राज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, तीन जगह ये हो गई। वो
दिल्ली कोपड़ा और दिल्ली मेरठ पांच जगह हो गई और छठी प्रयाग या कुशांश, तो छह जगहों से मिले हैं। अब बड़े स्तंभ लेखों पे सात अलग अलग लाइनें लिखी हुई हैं, तो इसे कहते हैं कुल सात स्तंभ लेख। स्तंभ पर लिखे हुए कुल सात लेख, सात अलग अलग लाइनें छह जगहों से मिली, ठीक है। अब इसका मैंने साधना बना लिया, रामपुर लोग प्रयाग की दिल्ली, ठीक है ना, रामपुर बाग लोरिया राज और नंदगढ़ रामपुर बाग, और प्रयाग माने प्रयाग या कुशांती और दिल्ली, दिल्ली कोपड़ा और दिल्ली मेरठ, ओके। उसके बाद आगे चलते हैं, अब छोटे स्तंभ लेख यानी कि ऐसे पिलर अशोक जी जिन पर कम बातें लिखी हुई हैं, उन्हें कहते हैं छोटे स्तंभ लेख। सांची साल को रूंगी ने छोटे पिलर लिए, तो सांची, सांची कहाँ हो गई, सांची कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है ना, सांची मध्य प्रदेश में है, सारनाथ यानी कि वाराणसी के पास, ठीक है ना, सारनाथ कहाँ पर है, यूपी में वाराणसी के पास, को रू से रुकनी दे नी से नीवा, और फिर ये छोटे पिलर लिए यानी कि छोटे स्तंभ लेख, छोटे पिलर माने छोटे स्तंभ लेख। तो आपको याद रहे इसके लिए फार्मूला बना दिया, सांची साल को रूंगी ने छोटे पिलर दिए, याद कर लेना, सांची सारनाथ रुकनी दे नीली, और इसके अलावा सांची एमपी के रायसेन जिले में है, सारनाथ वाराणसी जिले से मैंने ये लिख दिया है, रुकनी दे नीली बात प्रयागराज को शामिल, यानी कि इसको मैंने फिर से यहाँ पर डिटेल में बता दिया कि ये इस फार्मूले में कौन कौन सी चीज़ें मिली हुई, ठीक है। चौदह जो बड़े शिलालेख हैं, चौदह जो बड़े शिलालेख हैं उसके लिए मैंने फार्मूला बनाया है, मानसा का गिरना और ये मानशाह का गिरना थाने में गुड़ खा गया, तो ये मानसा माने मानसेरा शाहबाजगढ़ी, मानसेरा शाहबाजगढ़ी, फिर गिरनार थाने और गुड़ खा गया कुछ नहीं था, लिख दिया तो मानसेरा शाहबाजगढ़ी गिरनार थाने महाराष्ट्र में सुपारा में, सुपारा के पास है, ठीक है। इसके अलावा धोली और जोबर, धोली और जोबर कहाँ पर है, उड़ीसा में, नहीं बताऊंगा उड़ीसा के किन जिलों में, एक जिले में है गंजम जिले में, धोली और जोबर कर्नाटक में ब्रह्मगिरी मास्की और सिद्धपुर, यहाँ से अशोक के जो बड़े शिलालेख हैं वो मिले। अब नीचे चले अशोक के जो छोटे शिलालेख हैं, रूपनाथ जबलपुर सहसाराम शाहबाद जो जिला है बिहार का उसमें सहसाराम, ठीक है, यहीं पर शेरशाह सूरी का मकबरा भी है। तो छोटे शिलालेख रूपनाथ जबलपुर सहसाराम गुर्जरा मध्य प्रदेश में दतिया जिले में, इसके अलावा भगरू जयपुर के पास एक प्राचीन नगर हुआ करता था, आप उसके खंडन है बैराट, जयपुर का आप पुराना नाम बैराट भी कह सकते हो, जयपुर या बैराट से भगरू शिलालेख मास्की कर्नाटक में, कर्नाटक में रायचूर जिले में, इसके अलावा एहरोरा यूपी में मिर्जापुर में, तालसी आपके उत्तराखंड में देहरादून में आदि और बहुत सारी जगह से मिले, ठीक है। उसके बाद अब इन्हीं अभिलेखों की अगर हम बात करें, तो पिछले सेशन में आपने इनकी भाषाओं की बात की थी कि ये लिखी दिखा रहे हैं, जैसे जो शिला लेख स्तंभ लेख गुहा लेख हैं उनकी भाषा क्या है, जैसे गुफा लेख हैं उनकी भाषा क्या है, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि, अन्य जितने भी उसके अभिलेख हैं वो पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया कि फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसके अलावा कंधार से दो भाषाओं का अभिलेख मिला है, कंधार में कहाँ से, शारकुना से, यूनानी और आर्माई भाषा लिखी हुई उसमें, पूरे दारुना अफगानिस्तान का लगभग से यहाँ आर्माई भाषा का लेख मिला है, पाकिस्तान के हजारा जिले में मानसेरा से खरोष्ठी लिपि का एक अभिलेख मिला है, खरोष्ठी लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है। अच्छा अभी हम शिलालेखों और अभिलेखों की बात करें, तो यहाँ पर मैंने लिखा कलिंगम, इसका पूरा नाम है अलेक्जेंडर कलिंगम, ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही ना, इसका पूरा नाम है अलेक्जेंडर कलिंगम, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं बदला वीडियो रिकॉर्डिंग में, अलेक्जेंडर कलिंगम इसे कहते हैं भारतीय पुरातत्व का पिता, है ना, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी या भारतीय पुरातत्व, पुरातत्व का मतलब समझते हैं जमीन के नीचे से खोद के या कहीं भी जमीन के अंदर ऊपर नीचे कहीं पुराने जमाने की जो भी चीज़ें पड़ी हैं उनको न केवल खोजना बल्कि उनको संरक्षित रखना और उनसे उस समय के इतिहास की जानकारी पाना, उस समय का इतिहास, उस समय का भूगोल, अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति, धर्म सब की जानकारी पाना। देखते एक रुपये जल्दी से सिखा देना, किसी पास कॉइन है भाई, किसी पास कोई कॉइन, ये नए बच्चे हैं ना आप लोगों के सामने से कर ही चुके हैं, देना भांति भांति के सिक्के, तरह तरह के सिक्के दीजिए दीजिए दीजिए, अपने सिक्के का ध्यान में रखना है अभी, देना। देखो मेरे पास अलग अलग किस्म के सिक्के आ गए हैं, देखो दो रुपये का सिक्का है ये, ये भी दो रुपये का सिक्का है, ये भी दो रुपये का सिक्का है, और ये उसी वजन का दस रुपये का सिक्का है, और मेरे पास ये आ गया पाँच रुपये का सिक्का। अब आप देखें ना, ये मेरे पास पुराना दो रुपये का सिक्का है और अब ये नया दस रुपये का सिक्का है, तो पुराना जो दो रुपये का सिक्का है ना, अब ये जो इस समय का जो दस रुपये का सिक्का उससे कुछ ही कम हल्का है, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ गई, ये जो दो रुपये का सिक्का है ये बीसों साल पुराना है, अब महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है ना, तो जो दस रुपये का सिक्का आया है उसकी जो खरीद वैल्यू है उतनी है जितनी 20 साल पहले दो रुपये के सिक्के की होती। खैर तो इस सिक्के से आप देखें ना, इसमें ये मेटल जो है इससे पीला रंग है ना, ये मेटल पीले रंग की नहीं है लेकिन इसमें पीला रंग मिलाया गया। इसके अलावा इस पर आप देखेंगे यहाँ पर एक चिन्ह बना हुआ अशोक की लाट है ना, भारतीय सिक्कों का अशोक की लाट, उस पर शेर, शेर खुदा हुआ है, शेर खुदा हुआ ना,
तो सीधी सीधी बात है मेरे साहब, एक जानवर शेर जैसा कोई जानवर होता हो, जिस समय मान लो कि ये 2000 साल पुराना सिक्का है, तो इस पर आप जा रहे हो कि अरे इसमें लोग शेर से परिचित थे और इतने परिचित थे उन लोगों ने शेर को अपने सिक्कों पर खुदवा रखा था। अब हर सिक्के पर आप देख रहे हैं ये निशान मिल रहा है, हर सिक्के पर ये निशान मिल रहा है, तो आप कहेंगे कोई एक राजा रहा होगा जिसका ये राजकीय चिन्ह था। अब देखें दूर दूर से जगह जगह से आपको सिक्के मिल रहे हैं, अरे भाई इस राजा का अखबार यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था और यहाँ भी था। अब इस पर भारत और इंडिया, देवनागरी और रोमन में भारत और इंडिया लिखा हुआ, वही दो लोग दो भाषाओं से दो लिपियों से परिचित थे, ये इस देश के दो नाम थे, है ना। इस तो अब मान लीजिए सोने का सिक्का है, चांदी का है, तांबे का सिक्का है, अभी सोना बहुत चलता था, चांदी बहुत चलती थी या तांबा बहुत चलता था। अब यहाँ पे देखो सिंबल बना हुआ राघा है ना, और नीचे लिखा हुआ 10, यानी कि लोग गिनतियों से भी परिचित थे, 1 और 0 लिखा हुआ, लोग गिनतियों से भी परिचित थे, ठीक है। और देखो यहाँ पर 10 निशान भी है, है ना, जिसको अगर कोई नेत्रहीन उसको दिखाई दे रहा तो निशानों गिन भी सकता है, 10 निशान है। तो सिक्कों से लोग, भैया आपका 10 रुपये का सिक्का बड़ा है, बाकी रुपये 2 रुपये तो आजकल आप देखते ही नहीं हो, जिसका जो सिक्का वो ले लेगा। तो ये एक पुरातत्व है। अब उस समय के अत्याधिक टंक जीतल रुपया रुपये तमाम तरह के सिक्के मिले हैं ना, उससे लोगों ने इतिहास लिख दिए है ना। समुद्रगुप्त के 6 प्रकार के सिक्के मिले ना, एक पे वो वीणा बजा रहा, अच्छा वो इसको संगीत का ज्ञान होता है ना, एक पे कोई यज्ञ कर रहा, अश्वमेध यज्ञ कर रहा, ऐसे इसमें उसने अश्वमेध यज्ञ किया। तो चलिए लौट कर आते हैं अपनी इसी बात पर रहते हैं। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, ठीक है, क्यों कहा है? अच्छा इसी ने सबसे अलेक्जेंडर कनिंघम ही सबसे पहला वो इतिहासकार या पुरातत्वविद है जिसने अशोक के अभिलेखों पर एक लेख पब्लिश किया। अशोक के अभिलेख में कनिंघम है ना, अब कनिंघम ने नहीं खोजे, कनिंघम ने भी खोजे लेकिन सारे कनिंघम ने नहीं खोजे। अब जो भारतीय पुरातत्व विभाग था उसका ही डायरेक्टर था। अब अलग अलग जगह से अशोक के जो अभिलेख थे वो खोजे गए, खोज के उनको इकट्ठा किया गया, इकट्ठा करने उन पर उन्होंने जो भी पढ़ा लिखा, जो भी इसके बारे में जाना, उसको उन्होंने अलग अलग मैगजीन में पब्लिश कराया। यानी कि अशोक के अभिलेखों पर जो पहला लेख पब्लिश किया वो कनिंघम ने किया। या अशोक को दुनिया के सामने सबसे पहले कौन लाया? कनिंघम ने, ठीक है ना। था आधुनिक दुनिया के आधुनिक समय के सामने अशोक को सबसे पहले या चंद्रगुप्त मौर्य को सबसे पहले या मौर्य को सबसे पहले कौन सामने लाया? कनिंघम, ठीक है। फिर आता है अशोक के अभिलेखों की सबसे पहले खोज कब की गई? तो सबसे पहले जो अशोक का अभिलेख खोजा गया वो सन 1750 में खोजा गया। ये खोजा था टीफ लेंथर ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने सबसे पहले अशोक का अभिलेख खोजा था सन 1750 में। कौन सा खोजा गया था? दिल्ली टोपर, दिल्ली टोपर, फिरोजशाह कोटला किले में जो ये दिल्ली टोपर आता है, शिलालेख स्तंभ लेख है वो खोजा गया। फिर आता है तो अशोक का कौन सा लेख सबसे पहले पढ़ा गया? तो ये था दिल्ली लेख। ध्यान रखना, मुझसे गलती हो गई, सबसे पहले खोजा गया दिल्ली मेरठ और सबसे पहले पढ़ा गया दिल्ली, ओके, दिल्ली मेरठ सबसे पहले खोजा गया और दिल्ली टोपरा सबसे पहले पढ़ा गया। अब फिर आज बात आती है पढ़ा किसने? जेम्स विंसेंट। तो सबसे पहले खोजा किसने? टीफ लिंकन ने, पढ़ा किसने? जेम्स विंसेंट, ओके। फिर बात आती है कि अशोक का सबसे फेमस अभिलेख कौन सा है? तो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। क्यों है? कि इस पर सातों की सातों लाइनें मिलती हैं, बाकी कोई भी स्तंभ लेख उसका ऐसा नहीं है जिसको सभी सातों लाइनें मिल जाए, किसी पे 4 लाइनें, किसी पे 5, किसी पे 6 लाइनें। तो दिल्ली टोपरा इसमें सबसे फेमस है क्योंकि इसी स्तंभ लेख पर सातों लेख मिले हुए हैं। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख रुक्मिणी, ठीक है ना। फिर बात आती है कि अशोक का कौन सा ऐसा अभिलेख है या शिलालेख है जो 2 हिस्सों में बटा हुआ है ना, पहले ऊपर एक पैरा फिर दूसरा अलग पैरा। ये है आपका गिरनार, गिरनार कहाँ हुआ? गुजरात में, गुजरात के जूनागढ़ जिले में गिरनार से जो अभिलेख मिला उसको हम गिरनार अभिलेख कहते हैं। तो ये अशोक का सबसे सुरक्षित अभी मतलब अच्छी हालत में मिला है ये, और ये 2 हिस्सों में बटा, ठीक है। अब यहीं पर एक बात आती है, प्रथम कलिंग प्रज्ञापन है ना, सेपरेट कलिंग इंस्क्रिप्शन या सेपरेट कलिंग इंडेक्स, ये क्या है? अशोक की कुल 14 शिलालेख, ओके, ठीक है, नंबर 1 लाइन, नंबर 2 इस तरह से 13-14 तक लाइन, अशोक की कुल 14 शिलालेख। उड़ीसा में 2 जगह हैं, एक धोली और एक झोबड़, यहाँ से भी अशोक के शिलालेख मिले। यहाँ से अशोक के जो शिलालेख मिले हैं उन पे जो 14 शिलालेख हैं उसमें 11वीं, 12वीं और 13वीं लाइन है, भाई 1 से लेकर 14 तक लाइन है, लेकिन धोली और झोबड़ से, धोली और झोबड़ कहाँ? उड़ीसा में, उड़ीसा का पूरा नाम क्या? कलिंग। यहाँ से अशोक के यहाँ से यानी कि धोली और झोबड़ से जो शिलालेख मिले हैं उसमें 11वीं, 12वीं और 13वीं लाइन है, उसमें जो रूटीन जो अन्य बातें लिखी हुई है उनको नहीं लिखा गया 11वीं, 12वीं, 13वीं। 11वीं, 12वीं और 13वीं लाइन में स्पेशली उसने कलिंग के लोगों को अनाउंस किया, संबोधित किया, एड्रेस किया, या कलिंग के लोगों से पूछ
कहना चाह रहा है। क्यों कहना चाह रहा है? क्योंकि कलिंग जो था वो उसके साम्राज्य में पहले नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य दर्शन जीता, बिंदुसार ने उसने जीता, बड़ी मैडम को नहीं आ रही है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता, बिंदुसार ने उसने जीता, उसको सबसे पहले जीता अशोक ने और बहुत ज़्यादा नरसंहार के बाद जीता। तो जाहिर सी बात है कलिंग के लोगों के मन में गुस्सा होगा, बिल्कुल होगा, और कलिंग में बगावत की पूरी संभावनाएँ रही हुई हैं। तो उसने इसको जीत तो लिया लेकिन उन लोगों को अपने साथ मिलाना भी। तो उसने कलिंग के लोगों को जो मैसेज दिया, मैसेज करके किया, उनको भी एड्रेस किया, स्पेस किया, वो उसके लिए क्या किया उसने, दो जगह पर वो कहाँ से मिला, दो जगह ढोली और जोगल से। उसने बाकी सारी बातें तो लिख रही हैं लेकिन 11वीं 12वीं 13वीं लाइन की बात उसने लिखी हुई, उस पर कलिंग के लोगों ने लिखा है। कलिंग के लोगों के लिए लिखा गया क्या कि सारी प्रजा मेरी संतान है ना, सारी प्रजा मेरी संतान है, लोग मुझसे डरे नहीं, अकारण लोगों को दंड नहीं दिया जाए, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। कुल मिला के उनका उनको भावनात्मक रूप से अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई आप मुझसे डरे नहीं, मेरे साथ रहें। तो इन अभिलेखों को हम कहते हैं पृथक कलिंग प्रज्ञापन। पृथक माने अलग से है ना, प्रज्ञापन माने ज्ञापन माने एड्रेस करना। तो कौन से हैं ये, एक ढोली उड़ीसा के पुरी जिले में और दूसरा देवघर उड़ीसा के गंजन जिले में। आप चाहे वनडे एग्जाम देना, चाहे पुलिस का एग्जाम देना, चाहे आईएएस का एग्जाम देना, सारी बातें मैंने आपको बता दी, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है ना। ओके, फिर आता है रानी का अभिलेख। अभी जो मैं वो कह रहा ना, रामपुर लोग प्रयाग की दिल्ली अशोक के बड़े स्तंभ लेंगे, कल आएंगे आप? हाँ, कल सुबह क्लास से 8:30 बजे मैथ्स पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? मैथ्स पढ़ाएंगे, ठीक है, सुबह 8:30 बजे। ओके, ठीक है, कल सुबह 8:30 बजे क्लास है, आप लोग आना चाहें तो आ जाना, मैथ्स पढ़ाएंगे। हालांकि संडे को छुट्टी होती है, लेकिन अब संडे को छुट्टी होती है तो होती है ना, तो अभी कुछ कन्फर्म नहीं, कल क्लास होगी या नहीं होगी, फिलहाल इस क्लास को पूरा करो आप। कहाँ थे? हाँ, हमको लोग इसीलिए तो हमको कुछ लोग एफएमबीटी कहते हैं, अगर संदीप बटला मेरा वीडियो देखें तो आपका दिया हुआ नाम मुझे बड़ा अच्छा लगता है, एफएमबीटी है ना। चले भाई, कहाँ थे? हाँ, रानी का अभिलेख। तो अभी जो है अशोक के बड़े बड़े अभिलेख रामपुर लोग प्रयाग की दिल्ली, प्रयाग या कौशाम्बी, कौशाम्बी से मिला, अकबर कहाँ ले आया उसको, प्रयाग के किले में ले आया, ठीक है ना। अब इसको रानी का अभिलेख भी कहते हैं, क्यों कहते हैं इस जगह। अच्छा, इसकी कहानी क्या है कि सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में अपना किला गढ़वा दिया, ठीक है, उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। अब इसी पे अशोक की पत्नी कारुबाकी ने एक लाइन खुदवाई जिसमें उसने कहा, जिसमें उसने सनद दी है, सर्टिफिकेट दिया है एक गांव को कि हम तुम्हें इतना दान दें, कुछ गांव दान दें, एक गांव को नहीं नहीं बौद्ध संघ को या किसी एक बौद्ध महाविद्यालय को जो भी है, रानी ने कुछ गांव दान दिए, वो उसको उस पर लिखवा दिया। वो एक तरह से उनकी वो गांव क्या हो गया, जिसको दान दिया उसकी रजिस्ट्री हो गई, उसे लिखवा दिया ना, एक तरह से उसकी रजिस्ट्री हो गई, मालिकाना हक हो गया। तो इसमें अशोक की पत्नी कारुबाकी ने जो दान दिया है उसकी जानकारी मिलती है, इसलिए जो प्रयाग लेख है उसको हम रानी का अभिलेख लिखे, और प्रयाग अभिलेख ही क्या है, कौशाम्बी, ठीक है ना। अच्छा, इसमें रानी कारुबाकी ने जो दान दिया है उसके बारे में जानकारी दी गई है। इस पर अशोक का जो छोटा स्तंभ लेख है वो मिला है, और अशोक का जो बड़ा स्तंभ लेख है वो भी मिला, दोनों मिले, यानी कि छोटे स्तंभों में जो बातें लिखी हैं वो भी है इसमें, और जो बड़े स्तंभों में जो बातें लिखी हैं वो भी है, ठीक है ना। इस पर जहांगीर का भी एक लेख है, बाद में जहांगीर ने हमें हम भी इस पर कुछ लिखवा देते हैं ना, तो इस पर जहांगीर का एक लेख भी मिला हुआ है, और इसी पे समुद्रगुप्त का लेख है। सुनते हैं प्रयाग प्रशस्ति, सर प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है आप बताएं अनिस सोनू, प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? दो ही बचे, हरीशन, यस, वेरी गुड। तो प्रयाग प्रशस्ति का लेखक है आप बोले, तो अनिस भाई ने आंसर दिया है ना। हाँ, तो प्रयाग प्रशस्ति का जो लेखक है वो है हरीशेन, ठीक है, ग्रुप सी का है, ग्रुप सी यूपी ट्रिपल एस सी टाइप एग्जाम आप दें, लोअर पीसीएस टाइप एग्जाम दें, तो उसका क्वेश्चन प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है, प्रयाग प्रशस्ति किसके लिए लिखी गई है, अब आ जाओ पीसीएस में किस शैली में, इससे क्या जानकारी मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति से क्या जानकारी मिलती है राधिया, समुद्रगुप्त के बारे में क्या जानकारी मिलती है, और वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, इनके लिए ताली बजा लो। तो समुद्रगुप्त कैसे राजा बना, कैसे उसने अपने विक्ट्री मिशन किए, किन किन जगहों को उसने जीता, इसके अलावा उसकी जो पर्सनैलिटी थी, उसकी जो आदतें थी, व्यवहार थी, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो समुद्रगुप्त ने किस पे लिखवाया, या समुद्रगुप्त ने हरिशयन से इसको किस पे लिखाया, वही जो अशोक का स्तंभ
कहाँ पर था? कौशाम्बी में। लेकिन कौशाम्बी से कहाँ पर आ गया है? प्रयाग। तो इसको प्रयाग स्तंभ लेख कहते हैं। तो प्रयाग स्तंभ लेख पे अशोक के समय का तो लेख है ही है, इस पर समुद्रगुप्त ने भी अपने बारे में बातें लिखवाई है। ठीक है, तो जब हम गुप्त वंश पढ़ेंगे ना तो उसमें अलग से इसकी बात करेंगे प्रयाग की स्तंभ। अभी आगे चलते, फिर आता है भद्रु शिलालेख। भद्रु कहाँ पर? जयपुर। जयपुर या जयपुर का पूरा नाम क्या? विराटनगर। जयपुर या विराटनगर, उसी के पास से भद्रु गाँव, वहाँ से एक शिलालेख मिला है जिसमें अशोक ने बौद्ध धर्म के जो तीन रत्न हैं कौन कौन से? बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्ध, संघ और धम्म, ये बौद्ध धर्म के तीन रत्न माने जाते हैं। इसमें अशोक ने अपनी आस्था जताई, यानी कि मैं इसको मान रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं कुछ नहीं हूँ तो मैं कलमा पढ़ रहा हूँ, है ना, तो मैं अपनी आस्था को व्यक्त कर रहा हूँ, होता होता ना। तो उसी तरह से अशोक ने बुद्ध, संघ और धम्म जो बौद्ध धर्म के तीन रत्न हैं उसमें अपनी आस्था जताई है, उसको स्पेशल लिख दिया था भद्रु शिलालेख में। तो ये बहुत ही तगड़ा प्रमाण है किसका? कि भाई अशोक बौद्ध। ओके, आगे चलें। अच्छा, अशोक का नाम, अशोक को यूनानी इतिहासकारों ने क्या कहा है, है ना, क्या कहा है? एंग्रोकोर्स। अशोक को कई सारे नाम है, एंग्रोकोर्स, इसको चंडाशोक भी कहते हैं, क्योंकि इसने भी अलाउद्दीन खिलजी की तरह राज पाया। जैसे वो फिल्म नहीं है अंसारी जी की, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को जितना नेगेटिव दिया था या सकता था दिखाया गया, तो ऐसे ही सुना सम्राट अशोक जी, लेकिन बाद में उनका हृदय परिवर्तन हो गया, उनसे बड़ा कल्याणकारी राजा भी कोई नहीं हुआ। तो उनको अशोक वर्धन भी कहा गया, उनको देवताओं का प्रिय, यानी कि देवनाम प्रिय भी कहा गया, प्रियदर्शी भी कहा गया, चंडाशोक भी कहा गया उनको। लेकिन अशोक नाम जो सबसे पहले मिला वो कर्नाटक में मास्क शिलालेख से मिला। ये सवाल क्यों आता है? कर्नाटक में मास्क शिलालेख से सबसे पहले अशोक नाम मिला है। और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ से उसके अभिलेख मिले हैं और उसमें अशोक नाम मिला है। कौन सी? गुंजरा गुंजरा नेतुल उदयगोलम, ये ऐसी जगह हैं जहाँ से उसका नाम अशोक मिला है। ठीक है, सबसे पहले आगे चलें। चंद्रगुप्त मौर्य को शैनगोस कहा गया है यूनानी इतिहासकारों द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य का एक नाम क्या मिला है? ऐसे ना, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह को सामने सबसे पहले लाए हैं वो यूनानी इतिहासकार लाए हैं। बाद में फिर जब रिसर्च हुई, अंग्रेज जब आए तो उन्होंने इसकी पहचान की, अच्छा ये जो शैनगोस है ये भारतीय इतिहास का चंद्रगुप्त मौर्य है, ये जो एंग्रोकोर्स है ये भारतीय इतिहास का अशोक है। तो यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है शैनगोस, अशोक को कहा है एंग्रोकोर्स। ठीक है, फोर्थ में लिख दिया है। आगे चले, अब यहीं से आता है गिरनार अभिलेख। मैं हल्की सी सांस लूंगा उसके बारे में बताऊंगा, बहुत ही संबंध है इसके। पहले बार फिर स्वागत है आपका हिंदी क्लास के लिए बाई फैमिली राजी में। हिस्ट्री का सेशन, और हिस्ट्री में हम लोग पढ़े चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, यानी मौर्य वंश पढ़ रहे हैं। इससे पहले के सेशन में हमने जो बातें की है वो यही है कि चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर कहाँ से कहाँ तक था, और चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में हमने डिस्कशन किया है। वहाँ से डिस्कशन करते करते हम लोग आ गए हैं अशोक के अभिलेखों की तरफ। तो जो लास्ट सेशन है उसमें मैंने बताया कि अशोक के अभिलेख हैं क्या। अब चूंकि ये नया सेशन, हो सकता है आप लोग पिछले सेशन में ना जुड़े हों, तो हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ कि अशोक के अभिलेख का मतलब है क्या। अभिलेख का मतलब रिकॉर्ड्स। तो जैसे आजकल हम कहते हैं ना, भाई इस चीज़ को रिकॉर्ड के रूप में रख लो, जमा कर लो। बहुत सारे आप लोग अपने पास नोट्स रखते हो, है ना, वो भी रिकॉर्ड है। इसके अलावा आप लोगों के पास आपके तमाम तरह के जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, जमीन जायदाद के कागज हैं, बिजली के बिल हैं, वो सारे के सारे रिकॉर्ड तो हैं आपके पास। आप किसी ऑफिस में हो, मान लीजिए आप टीचर हैं, तो टीचर में बच्चों के एडमिशन आप करते हैं, एडमिशन करते हैं, टी सी इशू करते हैं, तमाम तरह की फीस कलेक्ट करते हैं, सब कागजात जो हैं आपके पास, तमाम तरह के खर्च आप करते हैं, तो उनके बिल वाउचर जो हैं वो सब रिकॉर्ड से तो हैं। लेकिन वो वाले रिकॉर्ड नहीं, ये जो आमतौर पर हम जिन रिकॉर्ड या अभिलेख की बात करते हैं, अशोक के अभिलेख को भी हम बात करेंगे तो उसका मतलब उससे नहीं है। अशोक के अभिलेख का मतलब ये है कि अशोक ने अपनी जनता से कुछ बातें शेयर की जो शाश्वत हो गई, हमेशा के लिए हो, इसीलिए हम उसको अभिलेख कहे थे। अच्छा, शाश्वत ये हमेशा के लिए क्यों हो गई, वो मिट क्यों ना पाई? क्योंकि उसने बड़ी ही बुद्धिमानी से या दूरदर्शिता से उसने जो अपनी घोषणाएं की वो किसी कागज पत्थर पर लिख के नहीं छोड़ दी, कॉपर या तांबे की शीट पर लिख के नहीं छोड़ दी। उसने क्या किया, तीन तरह के तरीके अपनाए। एक तो बड़े बड़े पिलर, उसने पत्थर के बड़े बड़े पिलर बनवाए, उनको तराशा गया, तराश करके जो भी वो जनता से कहना चाह रहा है उन पत्थरों पर उसने खुदवा दिया छहने मंत्रों से। फिर एक बार क्या किया, जहाँ उसने देखा बहुत ऊंची चट्टान है, ऐसी जगह बहुत से लोग आते हैं, बहुत ऊंची चट्टान यानी कि शिला है, उसको तराशा गया, साफ किया गया, और जो भी वो जनता से कहना चाह रहा है उस चट्टान पर बड़े बड़े अक्षरों में वो खुदवा दिया गया। तीसरा, उसने देखा कि बहुत सारे जो है साधु संत हैं वो गुफाओं में रहते हैं, प्रसिद्ध गुफाओं हैं जो गुफाएं मंदिर के रूप में, बहुत से लोग वहाँ पर गुफाओं में मंदिरों के अपने देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो उन गुफाओं में
जो भी वो जनता से कहना चाह रहा है उन गुफाओं को उसने उनको लिख दिया। तो इस तरह से अशोक ने जो बातें अपनी जनता से कही उन्हें हम अशोक के अभिलेख कहते हैं। ये तीन तरह के हम मिलते हैं, एक तो बड़े बड़े पिलर पर जिन्हें हम कहते हैं स्तंभ लेख, एक बड़ी बड़ी चट्टानों को जिन्हें हम कहते हैं शिलालेख, और तीसरे गुफाओं में जिन्हें हम कहते हैं गुहालेख। एक बार बोलिए।